पानी जा चुका है। तो लोग अगर बंसी वगैरह का इस्तेमाल करके अपने रूम के खिड़की से ही मछली मार सकते थे। बिल्कुल हाँ, याद तो बहुत करते हैं लेकिन कर कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता है। अच्छा एक बात, ये इलेक्ट्रिक मशीन लगा होता था जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना फिंगर दे करके अपना ही। जनाब शौकत अली साहब और मोहम्मद एजाज साहब हैं हमारे साथ में और हम यहाँ की ईंट ईंट से, यहाँ के मकान और बिल्डिंगों से काफ़ी मोहब्बत हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस वक्त पानी लगा हुआ है। हमारे एजाज भाई हमारे साथ हैं नीचे, देखिए यहाँ तो अच्छा लग रहा है। मगर साथ साथ जो हम इससे पहले आते थे तो हमारे सारे साथी यहाँ पे हुआ करते थे, हम लोग इसी रास्ते से जो है अपने क्लास रूम में जाते थे। इसको फंसती है क्या, मतलब हम लोग उसको ऐसे खींचते हैं तो अभी तक खींचे एक आध मछली की नहीं? नहीं इतनी जल्दी कैसे सर। अच्छा अच्छा, देखिए आरिफ भाई से हम पूछना चाहेंगे। आरिफ भाई जी, क्या मतलब मछली उसमें दिख रहा है, आ रहा है मछली? तो ये देखिए अपने क्लास रूम में जो हम लोग जाते थे, ये रास्ता में पानी लगा हुआ, आप ये देखिए। आरिफ साहब आगे आइए, आरिफ साहब आप आगे आइए। जी जी, ये नहीं आ रही भाई, क्योंकि ये तो मतलब हर साल देखने को मिलता है, इस साल थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये अगर मानसून अब लौट रहा है, मानसून लौट रहा है, अगर अब पानी नहीं हो पुनः तो हमको लगता है कि सप्ताह दिन काफी है पानी को रिलीज होने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जो है जैसे इस साइड में भी नदी है, इस साइड में भी नदी है, पानी की निकासी जो है ना आसानी से हो जाएगी। बस शर्त ये है कि अब बारिश। देखिए एक मरतबा मैं गिर भी गया हूँ, मेरा पूरा कपड़ा उपड़ा सब गंदा हो चुका है। देखिए फिर से काफ़ी धुलने में काफ़ी मेहनत पड़ता है। ये देखिए अपना क्लास रूम जी, देखिए। आइए शौकत भाई, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, टाइम का मैं चलिए चलते कितना पानी आप देखिए। बिल्कुल ये देखिए ब्लॉक है और ये हम अपने साथियों को पार्क भी दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल, कॉलेज का दृश्य है, खूबसूरत नज़ारा ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत, यही तो कॉलेज की खूबसूरत है। ये देखिए ये सब में पानी, रास्ते में भी पानी लगा हुआ है, रोड साइड में इसको देख सकते हैं। और तीला पोखरी वाला रास्ता में ना, ये देखिए। हाँ, समझ पहुँच रहे हो। ये हमारे कॉलेज का ये पार्क है जिसमें हम लोग बैठते थे, धूप ठंडे और हवा का मज़ा लेते थे। लंच में हम लोग यहाँ नाश्ता भी करते थे। देखिए कितना खूबसूरत है, बैठने का है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए मोर, ये हमारे आरिफ भाई, ये देखिए खूबसूरत सा दृश्य। और ये सबसे अच्छा देखिए किस तरह, देखिए हमारे एजाज भाई कह रहे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। बाकी जो मोरनी है अरे बाकी जो बचा वो साला छोड़ ले गए ना। हमारे एजाज आरिफ भाई मछली पकड़ रहे हैं, देखिए आरिफ भाई मछली है कि नहीं? अरे बहुत छोटी छोटी मछली है लेकिन मछली हमसे भी तेज है, मैं जब तक उससे पकड़ूं भाग जाती है। देखिए कि यहाँ छोटी सी मछली है। देखिए आरिफ और एजाज भाई पानी में हेलते हुए आ रहे हैं। हाँ इतना हालत खराब है, मतलब इतनी ज्यादा कीचड़ हो गई है कि हम लोगों को एक दूसरे का सहारा लेकर के आना पड़ रहा है, वरना जैसे भाई वहाँ पे ये कर रहा है ना, वहाँ पे सोलिंग नहीं है, पैर दब रहा है, वहाँ पे धंस रहा है अंदर। याद को ताजा करने के लिए बोलते हैं वीडियो। देखिए आज मैं एजाज भाई आरिफ भाई अपने कॉलेज सिटी तुर्की में आया हुआ हूँ देखने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से कॉलेज में के बाउंड्री और चहार दीवारी में के अतराफ में पानियों का जमाव, तकरीबन कितने पानी भर होंगे बताइए एजाज भाई। हमारे मेरे गाड़ी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक मेरा गाड़ी डूब गया है, ठीक है, कॉलेज कैंपस में।
अभी हम लोग आए हैं भ्रमण करने के लिए जी। आप हमारी गाड़ी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी जी। अरे भाई आप कुछ कहेंगे? सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यहाँ ये नज़र आ रहा है कि हमारा महाविद्यालय परिसर लगता है कि एक तालाब बन चुका है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ घूम रही है इधर उधर, देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन महाविद्यालय का ये हाल देख करके, दयनीय स्थिति देख करके मन विचलित हो रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक ये हाल सुधरेगा और मेरा महाविद्यालय हम लोगों का जैसे एक पूरा विश्व वैश्विक महामारी में। सर आप इसमें देखिए मछलियाँ भी आपको दिखेंगी, छोटी छोटी मछलियाँ, ये बहुत सारी ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं। अरे ये बहुत सारा है, हमारे श्री नवाज भाई सुबेश भाई होते तो जरूर इसको पकड़ करके जी बिल्कुल यूज में लाते। आप ये देखिए किस तरीके से पानी है, आप ये देखिए। मैं इतना तो कह सकता हूँ जो शाकाहारी है उनके लिए कोई फायदा नहीं है, काफी भर ठोना से ऊपर होगा पानी इसमें, अमूमन घुटना तो नहीं होगा, घुटना से कम होगा। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि अगर कुछ लोग अगर हॉस्टल में रहते तो यहाँ का मछली और चावल खा सकते थे। अच्छा, और काफी अच्छा लग रहा है क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं आगे वहाँ दिखाएगा भाई जी, हॉस्टल के अंदर पानी जा चुका है, तो लोग अगर बंसी वगैरह का इस्तेमाल करके अपने रूम के खिड़की से ही मछली मार सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज भाई देखिए पानी में हेल हेल करके मजा ले रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए खूब छमर छमर कर रहे हैं, चप्पल उप्पल निकाल लिए हैं ये, और इसमें भी आप खेल के देख सकते हैं। नहीं नहीं वहाँ तो गहराई ज्यादा है ना। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में भी नमी बहुत ज्यादा है तो मेरा पाँव अच्छा। वहाँ पे धंस सकता है। उधर पार्क का कुछ हाल बताइए अभी जो हम लोग आए हैं वहाँ पे। देखिये पार्क में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही खूबसूरती, मतलब जो हम लोग देखते थे। हमारे एजाज भाई हैं, ये हमारे बड़े बाबू जो यहाँ के, उनका तारुफ कराएंगे। देखिए साथियों आज हम लोग कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की में भ्रमण पे आए हैं और आने के बाद हमें हमारी मुलाकात बड़ा बाबू से हुई, मिलकर बहुत खुशी हुई। सर से काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग प्रभु से कृपा कर रहे हैं कि जल्दी से ये महामारी ख़त्म हो जाए, हम लोगों का कॉलेज खुल जाए ताकि हम लोगों का सुचारू रूप से वर्कशॉप भी चलना शुरू हो जाए। और मैं बड़ा बाबू से पूछना चाहूँगा कि सर कैसा मतलब अनुभव कर रहे हैं इस महामारी में, अकेले आपको यहाँ पे ड्यूटी करना पड़ रहा है, क्या कीजिएगा सर? मतलब क्या हम लोगों को मिस करते हैं? नहीं नहीं मिस याद तो, करते हाँ, हैं याद तो बहुत करते हैं लेकिन करें क्या, आपको भी अच्छा नहीं, सरकार की नियम है हम लोग, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, हम लोग से तो मुलाकात बात होती रहती थी, अधिकारी लोग का आदेश है इसमें रहना जरूरी है। नहीं चलिए आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत सराहनीय काम है, जहां हम लोग घर पे बैठे हुए हैं लेकिन आप लोग अभी भी ड्यूटी पर है, बहुत स्वागत योग्य है सर। हमारे क्लास के बहुत ही हरदिल अजीज साथी आरिफ भाई और पीछे एजाज भाई हैं। मैं आरिफ भाई से जानना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ आए हैं तो किस तरह की फीलिंग आप यहाँ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस कॉलेज में आकर के? जो हम लोग इससे पहले आते थे तो एक जो है हर तरफ जो है साथियों के दरमियान अच्छी अच्छी बातें करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें थी, आज कैसा लग रहा है आपको, आप बताइए जी। आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन महाविद्यालय का जो कंडीशन है, जो सूरत हाल बना हुआ है, जैसे कि जल जमाव हो गया है या फिर हमारे दोस्त हमारे नहीं आ रहे हैं तो, और उनको हम नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मन विचलित सा हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ से आते थे और यहाँ इस गेट से सबसे पहले हम इंटर करते थे, यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो हम लोग का काम होता था कि आने के साथ ही यहाँ हम लोग का बायोमेट्रिक मशीन लगा होता था, इसमें हम लोग सबसे पहले अपना फिंगर दे करके अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते थे और अटेंडेंस बनाने के बाद ये यहाँ पे लगा होता था जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले करते थे क्या कि उधर हम लोग का क्लास रहता था जहाँ पे हम लोग उसको सामने वाला जो नज़र आ रहा है वो हम लोग का क्लास रहता था, जिसमें कि हम लोग करते क्या थे कि अपना बैग वगैरह डाल करके, और ये जो ग्राउंड नज़र आ रहा है ये ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर यहाँ दो बनाया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर में क्या होता था कि सब असेंबली होती थी, यहाँ पर हम लोग सब लोग चारों तरफ उसके खड़े होकर के यहाँ से असेंबली होने के बाद हम लोग सीधे अपने क्लासरूम की ओर चले जाते थे जी। तो अब हम अपने साथी एजाज भाई से जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए आने के बाद तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए आए हैं और भली भांति हमारे बड़े भाई और हमारे हरदिल अजीज आरिफ भाई ने
भली भांति बोल ही दिए हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि माई ऑल फ्रेंड्स, आई मिस यू सो मच। बहुत कमी महसूस हो रही है आप लोगों का यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि कभी भी यहाँ पे हम लोग आते थे तो अकेले नहीं होते थे, बल्कि एक समूह होता था हम लोगों का, और वो मस्ती वो मजाक मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी आने के बाद बहुत ज़्यादा मिस आप लोगों को भी कर रहा हूँ। और जैसा कि आरिफ भाई ने अभी दिखाया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और इसके बाहर पूरे कैंपस का जो हाल है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जंगल भी उसी तरह प्रोग्रेस कर चुका है और उसके अलावा जो है पानी पूरा जलमग्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की